सो है गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो यार आज है थर्सडे और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ आर टू डेज इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर दैट इज ओपन हैमर तो यार एक ओपन हैमर रोबर्ट ओपन हैमर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एडम बम तो उनका एक बायोग्राफी इस मूवी में दिखाया जाता है ओपन हैमर में और उसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे हमारा जो आ, शन ऑफ आइटम बम था उनके रिगार्डिंग और बम बनने के बाद उनका कैसे पर्सपेक्टिव चेंज होता है उसके बारे में इस मूवी में डील होता है तो यार एक फेमस कोट है इस मूवी का अ फ्यू पीपल लाफ्ड अ फ्यू पीपल क्राइड मोस्ट पीपल वेयर साइलेंट नो आई बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड तो इस मूवी में हमारा गीता को लेकर भी बहुत सारे कंट्र, कंट्रोवर्सरी हुए थे तो उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं बट हम ये बताने वाले हैं कि ये मूवी प्रॉपर जो है एक, एक एटम बम से रिलेटेड कैसे उनका अविष्कार हुआ और अविष्कार होने के बाद जो लाइफ ऑफ उप ओपन हैमर है वो कैसे चेंज हुआ क्योंकि आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस एटम बम ओपन हैमर फील सॉरी फॉर देट बिकॉज उसने सोच रहा था कि यार मैंने मतलब इस वर्ल्ड के लिए क्या बना दिया फिर उन, उनके साथ बहुत सारे यू एस से डील आया कि आप एक हाइड्रोजन बम बना बट उसने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ही फील सॉरी फॉर द एटम बम दैट ही मैड क्योंकि उससे बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो सकता है वर्ल्ड में इज वी हैव सीन इन द जापान एंड हिरोसिमा नेगा साकी जहाँ पर यू एस ने बम गिरा करके कितने सारे तबाही, अभी तक उनका इफेक्ट दिख रहा है यही था उनका एक ओपन हैमर की बायोग्राफी जो कि किन मॉर्फी ने अच्छे से इसको पोर्ट्रेक करा इस मूवी में yeah, so like या थैंक्स फॉर वाचिंग आई होप यू लाइक दिस वीडियो और यार मैं एक ऐसे ही इस वीडियो बनाया था एक पर्सपेक्टिव से ताकि ता आप लोग जानो इफ़ यू आर यू पी एस सी तो आप इस मूवी को जा के देखो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं